सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केमप्लास्ट सनमार्क के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 9 अगस्त 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, जो आईपीओ है 10 से 12 अगस्त के बीच ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 530 से 541 रुपए के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी 541 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 27 शेयर होंगे। वहीं रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो मात्र 10% का रिजर्वेशन आपको यहां पर मिलने जा रहा है। अब देखिए, 10% का रिजर्वेशन है तो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अब देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आज के दिन ग्रे मार्केट का प्रीमियम करीब 30 रुपए के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि 541 रुपए में आपको एक शेयर अलॉट होगा। 30 रुपए के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ करीब 571 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन देता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अगर इसका प्रीमियम देखें तो काफी कम चल रहा है और आज के दिन पहली बार इसका प्रीमियम सामने आया है, तो यहां पर प्रीमियम काफी कम है। अगर परसेंटेज में हम देखें तो प्रीमियम यहां पर मात्र 5 से 8% के आसपास अप्रोक्सीमेटली चलता हुआ नजर आ रहा है। हम आशा करेंगे कि इसका प्रीमियम बढ़े, क्योंकि अगर इतना प्रीमियम चल रहा है तो इस आईपीओ में मुझे नहीं लगता कि अप्लाई करने लायक कुछ है, क्योंकि देखिए यहां पर लिस्टिंग गेन तो आपको काफी कम मिल रहा है, जो कि 5 से 8% का जो लिस्टिंग गेन है या फिर कहें प्रॉफिट है, तो आप किसी भी शेयर में आप सही से स्ट्रेटजी लगा के वहां से भी कमा सकते हैं। हम आईपीओ में लगाते हैं कि भाई मैं 20 30 40 या उससे ज्यादा कहीं हमें लिस्टिंग गेन मिले तो हम इस आईपीओ में निवेश करें। अब देखिए, यहाँ पर 5 से 8% चल रहा है। अगर मार्केट जिस दिन ये लिस्ट होता है कुछ ऐसा वैसा हो गया, मार्केट में गिरावट हो गई, तो निश्चित रूप से अगर 5 से 8% प्रीमियम रहेगा तो इसमें खतरा ये भी रहेगा कि ये नेगेटिव पर लिस्ट हो, यानी डिस्काउंट प्राइस पर इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आए। तो देखिए, हमें वेट करना चाहिए। अभी कल से ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है, तो कल और परसों वेट करें। अगर इसमें कुछ सुधरता हुआ नजर आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको बिल्कुल फिर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो केवल एग्रेसिव जो निवेशक हैं, जो आईपीओ से बहुत ज्यादा लगाव है जिनको कि भाई मैं आईपीओ में अप्लाई करूंगा ही, तो वो इसमें अप्लाई करें। जो छोटे निवेशक हैं, जो प्रॉफिट ज्यादा चाहते हैं या फिर जिनको लॉस से डर लगता है, वो इस आईपीओ से दूर रहें, मेरा ऐसा मानना है। और देखिए, आप क्या करने वाले हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे और आपके हिसाब से ये किस तरीके की लिस्टिंग देता हुआ नज़र आ सकता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे जो आप कमेंट करते हैं लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलती है और लोग जो मैं चीज़ें यहाँ पर नहीं बता पाता हूँ आप मुझे कमेंट में लिखकर लिखेंगे तो लोग वहाँ पर देख पाएंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।